बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, आज हम आपसे जो इंस्टॉलेशन शेयर करेंगे, हमने रिसेंटली इंस्टॉल किया है, फैसलाबाद सिटी है, और जो इसकी डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। 15 किलोवाट के जो हैं वो हमने टोटल साइज़ है, ऑन ग्रिड है, विद नेट मीटरिंग है, और 370 वाट मोनो पग जेरिन शाइन पैनल इस्तेमाल किया, इन्फिनी V2 ऑन ग्रिड विद पैरल किट्स के हमने यूज़ किया, 800 एम्पेयर जो है 2 वोल्ट के नराडा के यहाँ पे हमने सेल यूज़ किए हैं। वेल, बिफोर गोइंग टू डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्पेशल द व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप तमाम ऐसी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेल, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द स्ट्रक्चर। जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो L3 यूज़ किया है, गैल्वेनाइज्ड है, और सारा हमने एक ही जैसा स्ट्रक्चर यूज़ किया। व्यू देखें, काफ़ी खूबसूरत एरिया जहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। पैनल्स के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे भी जेरिन शाइन ही यूज़ किया, Tier 1A ग्रेड है। इसकी 25 ईयर्स जो है वो परफॉर्मेंस वारंटी है और 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी है। और अगर जो आप डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ हमने 198 डिग्री टूवर्ड्स साउथ वेस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, ताकि हमें मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन मिल सके। आप पैनल्स देख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी में हमने कोशिश की इंस्टॉल करें, और एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि कोशिश किया करें कि हर पैनल के दरमियान कुछ गैप रखें, ताकि आपकी जो क्रॉस है वेंटिलेशन यानी कि एयर जो है वो इजीली पास हो सके। और यहाँ पे भी हमने कोशिश की है उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें। इसी तरह जो वायर है हमने प्रॉपरली पाइप्स में से यूज़ किया है, ओपन वायर कोशिश की है कि वो ना नज़र आए। MC4 कनेक्टर्स प्रॉपरली इंस्टॉल किए हैं, साथ ब्रांच कनेक्टर, वायर कनेक्टर्स भी यूज़ किए हैं यहाँ पे हमने इस पे, बिकॉज पैरेलल में पैनल्स यूज़ किए हैं। और अगर जो आप स्पेसिफिकेशन देखें तो ये आप देख सकते हैं 370 वॉट पैनल की स्पेसिफिकेशन। और हमने यहाँ पे जो पैनल्स हैं उनको सेपरेटली ग्राउंडिंग या अर्थिंग भी की है। रीज़न ये है कि ये साइड जो है हमने नेट मीटरिंग पे अप्लाई करनी है, तो वी डिड ऑल द प्रोसीजर और वी डिड फॉलो ऑल द प्रोसीजर विच आर रिक्वायरमेंट फॉर द नापरा, जो भी उसकी SOPs हैं। और ये आप पैनल्स की इंस्टॉलेशन चेक कर सकते हैं, अर्थिंग भी आप देख रहे हैं सेपरेटली की हुई है। और यहाँ पे जो हमने वायर यूज़ की है, DC 6 mm यूज़ किया है वायर, और इम्पोर्टेड वाइट कॉपर शील्डेड यूज़ किया। कोशिश करें आप वायर और कनेक्टर्स MC4 ब्रांच कनेक्टर्स यूज़ करें, इससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ऑप्टिमम आपको प्रोडक्शन मिलती है। अगर जो आपके जॉइंट्स प्रॉपरली नहीं इन कॉन्टेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया है इन केस ऑफ थंडर वगैरह में, तो ये हमें प्रोडक्शन कर सकती है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा कि हमने पैरेलल किट कैसे इंस्टॉल किया, बिकॉज़ यहाँ पे डिफरेंट 3 फेजेस में हमने हर फेज़ पे सेपरेट इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 पे। इस वजह से हमने करंट केबल शेयर नहीं किया, हमने सिर्फ डाटा केबल जो है वो शेयर किया, ताकि आपस में इन्वर्टर सेंक्रोनाइज हो सके। ये आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे पैरेलल किट इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताई थी इंस्टॉलेशन की, और इस वीडियो में बताने का मकसद ये कि जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो तब आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमने बैटरीज जो है वो स्पेशल बैटरीज हैं, वो बैटरीज की डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, उसके बाद हमने किया। फिर हमने इसको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 पे सेपरेटली जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लोड नहीं है जो 3 फेज़ यूज़ होता है। बहरहाल हमने लोड जो है बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड ना हो। अगर जो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कर लें, दो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स उस तरह नहीं यहाँ पे इंस्टॉल कर सके जिस तरह हम चाहते थे, बिकॉज लॉकडाउन है, इस सिचुएशन में DB बड़ी मुश्किल से हमें ये भी मैनेज हुई है। AC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं 3 पोल के। DC ब्रेकर कायल के हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसी तरह DC SPD हमने यूज़ की है, AC SPD यूज़ की है, और इसी तरह प्रॉपरली आप देखें ग्राउंडिंग जो अर्थिंग वायर है उसको हमने सेपरेटली इनको किया है, ताकि ये एक तो नेपरा की रिक्वायरमेंट है और प्लस इसके प्रोटेक्शन भी आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्शन जो है आपकी। ये हमने एक चेंज ओवर लगाया इन केस ऑफ आपने बायपास लोड करना हो या ज़ीरो पे रखना हो, तो या किसी अगर जो मेंटेनेंस चलती है तो तब आप ताकि इसको स्विच ऑफ भी कर सकें यहाँ से भी। और अब हम इन्वर्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपसे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो इन्वर्टर्स हमने यूज़ किए हैं ये वी
टू है जिसको आप इन्फिनी वी टू कहते हैं। आपको पता है बैटरी लेस ऑपरेशन भी है इसमें, बट यहाँ पे हमने पैरेलल यूज़ किए हैं, तीनों इन्वर्टर्स को आपस में सेंक्रोनाइज किया है। ये 800 जो है वो एम्पेयर सेल्स फोर टर्मिनल्स इन अराडा के यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेल्स हैं, उसका काफ़ी अच्छा बैकअप है और आप ये देख सकते हैं प्रॉपरली जो है ये इंस्टॉल किए गए हैं और हर इंडिविजुअल इन्वर्टर के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है। और जिसके हमने चार्जिंग रखी है सोलर के साथ वो 60 एम्पेयर रखी है। और हमने वापडा की जो ऑप्शन है उसको हमने ओएसओ में, तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास, हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया ओएसओ मींस के वापडा से चार्ज नहीं करेगा। इन्वर्टर की आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, इट मींस कि सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा और रात के टाइम बैकअप भी जो है वो बाईपास तो कर सकता है लोड, लेकिन वो चार्जिंग सोर्स बैटरीज नहीं करेगा वापडा से। तो एक अच्छी ऑप्शन थी बिकॉज वी वॉन्टेड टू सेव द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को इन्फॉर्म किया, उसने कहा कि दैट सिलेक्शन इज बेटर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस। इसी तरह अगर जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन का एनालिसिस करें, तो जो हमने प्रोडक्शन इसकी चेक की दो टाइम तकरीबन दो बज चुके थे, बावजूद इसके जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट पे आप देख सकते हैं 3.28 है, फिर 3.18 है और थर्ड पे इसी तरह 3.28 है, विच इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। अर्थिंग हमने इसी तरह दो सेपरेट की हैं, डीसी और एसी की ग्राउंडिंग की है और 16 mm कॉपर वायर यूज़ की है। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो और कमेंट, प्लीज़ गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक सो वी कैन इम्प्रूव इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। स्टे होम, स्टे सेफ।